सुधांशु और जी, दूसरे के लिए कह रहे किसान नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनना है सरकार की तरफ से, किसान नेताओं के साथ एक समाधान की तरफ आपको बढ़ना है। फालतू की बातें की है, विषय से संबंधित कुछ नहीं किया और आप इन्हें अनर्गल बातें करने देते हैं, आप इन्हें खुली छूट देते हैं, बेहूदी बातें रखते हैं। सरकार को जो लताड़ लगी है सुधांशु भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। 60 किसानों की जो जान गई है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। देश में किसानों का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर मीडिया में भी लगातार चर्चा हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है और एक कमेटी का भी गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मीडिया में भी डिबेट हुई। इन डिबेट में सवाल विपक्ष से तो हुए, भाजपा नेताओं को भी कभी मीडिया एंकर ने तो कभी विपक्षी नेताओं ने चुप करवा दिया। आज हम ऐसे ही कुछ डिबेट्स की बात करेंगे। आज तक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिबेट हुई। इस डिबेट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों को लेकर एंकर अंजना ओम कश्यप ने भाजपा नेता से सवाल किए, जिस पर वे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते दिखे, लेकिन अंजना ने भाजपा नेता को टोक दिया। अब देखिए, सरकार आप है लेकिन आज शक का दायरा इस कदर हावी है कि आपके 4 जो सदस्य हैं इस कमेटी में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उन सब पर सवाल खड़े कर रहे हैं किसान। निकाली थी, मैं विनम्रता से पूछता हूं, कितने किसान केवल एचएमटी के ट्रैक्टर पे आए थे जो सरकारी कंपनी, और कितनों के बाद बाहर के ट्रैक्टर थे पता है वो? भाई आप अपनी सुविधा के लिए तो खुले बाजार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं सुधांशु जी, दूसरे के लिए कह रहे हैं। किसान नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनना है सरकार की तरफ से, किसान नेताओं के साथ एक समाधान की तरफ आपको बढ़ना है। कौन सा नेता क्या कह रहा है, कौन सी गाड़ी में कौन से ट्रैक्टर में आ रहा है, इससे आप तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अंजना जी अब हम नहीं है बीच में, अब जब सर्वोच्च न्यायालय पे नहीं मान रहे तो कैरेक्टर वाली बात सामने मान ही नहीं रहे हैं, वो तो आप ही को मान रहे हैं बीच में, तो हम तो कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते सुधांशु जी, वो कोर्ट की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। न्यूज 18 पर भी इसी मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एसपी नेता राजकुमार से अमीश देवगन ने सवाल किए। जब वे जवाब दे रहे थे तो बीच में संबित पात्रा बोलने लगे, जिस पर राजकुमार ने उनकी क्लास लगा दी और अमीश को भी टोका। ये भी उठा आपने? कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इन लोगों को कोई फैसला नहीं लेना है आपकी जानकारी के लिए। संबित पात्रा, संबित पात्रा ही कह रहे हैं जब से, देखिए अमीश जी 10 सेकंड मुझे और दीजिए, बोलिए 20 सेकंड। जब से डिबेट शुरू हुई है संबित पात्रा ही कह रहे हैं और कहन को हो रहा है, और ये इतनी अनर्गल बातें करते हैं इन्होंने इस डिबेट में भी, फालतू की बातें की है, विषय से संबंधित कुछ नहीं किया और आप इन्हें अनर्गल बातें करने देते हैं, आप इन्हें खुली छूट देते हैं, बेहूदी बातें रखते हैं। कभी ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी की डिबेट बन जाए, ये किसानों के खिलाफ, किसान इसके खिलाफ है, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। कभी वामपंथी, आपने गलत बोला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नीच कहा है। संबित जी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने नीच कहा, आप गलत बयानी करते हैं और अमीश जी आपका समर्थन करते हैं। मैं तो और अमीश जी आखिरी वाक मेरा, मैंने सुन लिया, आखिरी वाक सुन ले, सुनिए संबित जी, बहुत देर आपको भी सुन लिया। आप डिबेट चलाते हैं क्या? आप कंट्रोल करेंगे इसे? आप डिक्टेट करेंगे कैसा अमीश देवगन को? बताइए ना, घमंड क्यों है? न्यूज नेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता से जब सवाल हुए तब वे कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते दिखे, जिसके बाद जब कांग्रेस नेता की बारी आई तो उन्होंने भाजपा नेता की बातों का करारा जवाब दिया। आप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट चुके हैं भाई, सियासी ने आपको वोट बैंक की राजनीति से सूट किया था, आपको अपनी सरकार का आज के विषय पर बात करने की बीजेपी, आपको कोई भी राजनीति करने को तैयार है कोई बीजेपी का प्रवक्ता? और मजे की बात यह है कि एपीएमसी पे आज तक जवाब नहीं है। दो लोग केरल में क्यों रही है एपीएमसी समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, दिल्ली में समस्या है तो केरल में क्यों नहीं है? कमीशन का मेंबर राहुल गांधी सांसद, आप कहते हैं कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं ऊपर भरोसा की अनकंफर्टेबल फैक्ट क्या करेगा, मुश्किल हो जाती है, किसान नहीं करेगा आपके ऊपर भरोसा। और यही कारण है कि आज किसान आपसे पूरी तरह से बेरुख हो चुका है। 2014 में वही किसान था जिसे 3 साल के अन्न के भंडार इस सरकार को दिए थे सुधांशु भाई, आज हम इतना छोटा सा दिल करके बैठ गए कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हम किसानों की हत्या पर भी ट्वीट नहीं कर सकते। अरे मैंने तो जवाब दिया फैक्ट के साथ, कुछ लोगों को फायदा आपने पहुंचाया है। सरकार को जो लताड़ लगी है सुधांशु भाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। 60 किसानों की जो जान गई है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और किसानों की मांग सरकार से इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की है। अब आगे देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी और किसानों का अगला कदम क्या होने वाला है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।